नाजरीन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लोग सड़कों पे निकले हुए हैं एहतजाज के लिए और अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस महंगाई की पिसी हुई आवाम जो है वो बेचारी किस तरह सड़कों के ऊपर रुल रही है और इनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं, कोई भी इनको पूछने वाला नहीं, कोई भी इनके हालात को बेहतर करने वाला नहीं। तो चलते हैं और कुछ लोगों से भी बात करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि गुजारा कैसे हो रहा है इन इस महंगाई के दौर में। इस जैसे कि बिलों में इजाफा किया गया है, पेट्रोल में इजाफा किया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या कहना चाहेंगे इन हालात में जो बन चुके हैं इस वक्त और कोई सुनने वाला नहीं है? हमने कहना क्या है, जो हमारे हुक्मरान हैं उनको गैरत चाहिए थोड़ी सी करनी, गैरत के अलावा और कुछ नहीं हम कह सकते। जो 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 पीडीएम अपने बच्चों के बेट काट कर इनको टैक्स देते हैं, इसके बावजूद हमारे घर हम घरों में परेशान हैं, इनको सोचना चाहिए। सर, पीडीएम तो अपनी गवर्नमेंट करके चलेगी, जो मैक्सिमम उन लोगों ने इजाफा करना था कर दिया, अब आगे निगरान गवर्नमेंट, अब ये अगर इजाफा करेंगे भी तो ये किस पर डालेंगे और आपका एहतजाज इनको क्या वो महसूस करेंगे? ये करेंगे, हमें किसी के ऊपर तवक्को नहीं है, अल्लाह के अल्लाह इंशाल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा। और इनको चाहिए कि हाँ। पाकिस्तान के अवाम, गरीब अवाम का कम से कम ये गरीबों को ना ढूंढने का। अस्सलाम वालेकुम जी सर, आप क्या कहेंगे? मैं यही कह सकता हूँ कि ये जो इन्होंने एक ही टैरफ पे तमाम बिले मल्टीप्लाई करके, तमाम यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके 350 यूनिट का मेरा बिल जो है वो 2021 में 6000 था, अब इसी वक्त भी मेरा 350 यूनिट है और मेरा बिल है 18000, तो मेरा पिछले महीने का बिल भी रहता है क्योंकि मैं पहले से आधी सैलरी पे जॉब पे गया हूँ एक साल के बाद, तो मैं कहाँ से ये बिल अदा करूँगा? मुझे ये गवर्नमेंट बताए, जो अब मौजूदा गवर्नमेंट है यही कुछ कर दे। हम ना किसी को अदारे को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये इसकी जिम्मेदार है, इसकी वापडा फेस्को जिम्मेदार है, इनको अपना टैरिफ सही करके बिल सही करने चाहिए ताकि अवाम जो है वो बिल अदा कर सके। सर, आप कह रहे हैं कि पिछली ये गवर्नमेंट जिम्मेदार है या पिछली गवर्नमेंट? ये तो ऑलरेडी इस वक्त की गवर्नमेंट जो है ये जिम्मेदार है, इन्होंने आते ही टैरिफ बढ़ाया है, पिछली गवर्नमेंट ने भी बढ़ाया था, लेकिन 2021 में यूनिट्स जो है उनके ये टैरिफ जो है ना वो 300 तक 1200 रेट था और 300 से ऊपर का रेट था 1900 रुपये, तो मेरा 6000 बिल बना था और इस वक्त मेरा बिल जो है 18000 बना है क्योंकि इन्होंने 50 से ज़रब दे दी है, टोटल यूनिट को 50 से ज़रब दे दी है, तो इस तरह कैसे बिल अदा हो सकता है ये मुझे कोई बताएगा? ये कोई नहीं बताता, ये आवाम भी है जो बिल अदा करने वाले हैं ना, अपने आप पर जुल्म होता देखना चाहते हैं और बिल अदा कर रहे हैं, मैं उनको भी जिम्मेदार ठहराता हूँ, वो भी गलत लोग हैं, वो यहाँ क्यों नहीं है इस वक्त? क्योंकि उन्होंने बिल अदा कर दिए हैं, बहुत से लोगों के बिल आने वाले हैं, तो जिनके आने वाले हैं उनको भी आना चाहिए। ये तो जितने भी बेचारे लोग, ये तो वो इकट्ठे हैं जिनके इतने इतने ज़्यादा बिल आए हैं और ये बेचारे नहीं पे कर पा रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको जो तो कर चुके हैं, उनको तो टेंशन कोई नहीं, वो कर लेंगे। ये लोग क्या करेंगे? इनका मसला तो इन बेचारों का है कि ये बेचारे अपने घर की दाल रोटी चलाएं या पूरा मंथ जो है वो बिलों की टेंशन में ही बैठे रहे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये क्या कर रहे हैं, ये अपने बहन भाइयों से, दोस्तों से पैसे उधारे लेके ये लोग अपने बिल पे करते हैं। वहाँ ऑफिस में जाओ, वो या तो डेट एक्सटेंड करते हैं या उसकी किस्त करते हैं, यानी कि इंस्टॉलमेंट करते हैं, और इंस्टॉलमेंट जो है वो अगले महीने में हमें उसके ऊपर जुर्माना लग के भी आएगा, तो वो आवाम जो है वो किधर जाएगी? और जो लोग बिल पे कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है वो जिंदा लोग नहीं हैं, वो मुर्दा लोग हैं। जो जिंदा लोग हैं वो यहाँ जमा हैं, ये इतने लोग होने नहीं चाहिए, ये यहाँ पे बड़ी तादाद होनी चाहिए, इसी तरह हमें ये लोग मारते रहेंगे जब तक हम इस तरह इकट्ठे नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि लोग भड़के हुए हैं
और टेंशन में है। ये आप मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो ये लोग कोई अमीर लोग नहीं हैं, ये बेचारे सारे गरीब हैं जो आए हैं, कोई जॉब पेशा है, कोई मजदूरी करता है, बस इसी तरह ये लोग यहाँ पे आए हैं अपने टाइम निकाल के, अपनी छुट्टी लेके और यहाँ पे खड़े हैं कि कोई इनकी दाद रसी आके करे, कोई इनके हालात को बेहतर करे, क्योंकि बिल इतने ज़्यादा आ चुके हैं और बिल इनकी सैलरियों से भी ज़्यादा हैं कि अगर ये लोग अगर बिल अदा करेंगे तो पूरा मंथ अपने घर में अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो बिल जो हैं इस वक्त लोगों के लिए एक जिन की हैसियत इख्तियार कर चुका है कि सारा मंथ लोग डरते हैं और यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं अब नेक्स्ट मंथ जो है बिल कितना आएगा। तो इन लोगों की अपील है मौजूदा गवर्नमेंट से कि खुदा के लिए इनके हाल पे रहम करें और इन बिलों के इजाफे को वापस लें और ये जो एक्स्ट्रा टैक्स डाले गए हैं इन टैक्सों को कम करें और बिलों को जो है पहली पोजीशन में लेके आएं। जैसे पिछली गवर्नमेंट ने भी वो 8 रुपए पे चला रहे थे, तो अच्छा जी क्या कहेंगे जी आप? जैसे टैक्स जो बिल के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा मार रहे हैं, बिल बहुत ज़्यादा आ गया मेरा, कहाँ से दें हम? कितना बिल आया आपका? मेरा बिल आया जी 7,000-8,000 बिल आ गया मेरा, कभी इतना ज़्यादा बिल मुझे आया ही नहीं था, 2,000 से कभी बिल ज़्यादा मुझे आया ही नहीं। ना मेरे घर में टीवी है, ना फ्रिज है, सिर्फ एक पंखा है, 2 बल्ब चल रहे हैं। नाज़रीन आप सुन रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं और बिजली का बिल पूरा करें या घर की दाल रोटी चलाएं, काम करें, मतलब कहाँ जाएं, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई सुनने वाला नहीं जी। 18-20 हज़ार तनख्वाह सारी, 18-20 महीना कमाना, 10,000 बिल देना, बाकी 8-10,000 किधर लैके जाइए, असं किधर लैके जाइए, मजबूर हो गए, असं मजबूर हो गए वहाँ बाहर निकले। हाँ मेहरबानी है, रहम करो अपने आवाम के उत्ते, सारा जो लुट लुट के सर बाहर भज गए लै के, इतने की कर इतने फिर खाना जंगीला हिसाब होना, मुड़ के इतने आजना तो हो साल खाना जंगी लगनी आ, इतने एक कम हो के रहना आ, दुनिया मजबूर हो के कढ़िया किसे नहीं गा, दुनिया आप निकली मजबूर हो के, सियासी रंग नहीं होया, जिन्हे का बिल सको दिता नहीं जा रहा, तो 5 रुपए 40 पैसे होर महंगे कर देते हैं। हाँ जी बिल बढ़ा है, ये बड़ा और बिल बढ़ा, हाँ और शर्म नहीं आती इन्हों। देखें होना तो ये चाहिए कि ये मतलब चंद लोग हैं और कुछ लोग तमाशाई बने देख रहे हैं, बाकी लोग निकल ही नहीं रहे, यानी कि जुल्म हो रहा है तो जुल्म के खिलाफ वो बात भी नहीं कर रहे। दिहाड़ी वाले बंदे है जी, उन्होंने दिहाड़ी सारे डर और खौफ क्या माहौल है सर, हम किसी बंदे से नहीं कहते, सारा हमारी सिर्फ इज्जत माफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट है कि वही हमारे दुखों का हम दावा कर सकते हैं, वो हमें पुरानी आयात पढ़ के सुना रहे हैं कि हम सब्र करें, सर ये सब्र लीड क्लास करें, गरीब आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, गरीब आवाम के पास अब वो चीज़ नहीं रही, अब ये हम अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हो गए, आटा पानी हर चीज़ घर से ख़त्म हो गया है, खुदा रहा सिर्फ आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से अपील है, वही पाकिस्तान के बड़े हैं, वही होल्ड करते हैं, उनसे अपील है, बाकी किसी से कोई अपील नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सकते, सारे मजबूर लाचार हैं, सारे इदारे उन्हीं के मुताहत हैं, हम उन्हीं से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे बड़े हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो कम अज कम हमारे लिए जीने का हक रहने दें। नाज़रीन आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि लोग कितने मजबूर हैं और कितनी टेंशन में हैं कि पूरा मंथ है और बिल है सबके हाथों में और इतना ज़्यादा बिल है कि लोग परेशानी में बाहर निकले हैं, लेकिन इनकी कोई दाद रसी करने वाला आज यहाँ नहीं है। लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, देखते हैं जी गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि 5 रुपए और रेट बढ़ा दिया गया है बजाय इसके कि कम करने के। अच्छा एक चीज़ और आ रही है कि ये लोग करते ये हैं कि जो रीडर है आके जो मीटर रीडर है वो 35 या 40 दिन का जो है ना वो रीडिंग करके लेके जाता है, वो ओवर रीडिंग करता है और उसका बिल भी अवाम पे है, यानी कि यूनिट महंगा ऊपर से ओवर रीडिंग, ये मिला के तो मतलब जो है ना ये गरीब अवाम के ऊपर जो है ना एक जुल्म जो है ना वो ढाया जा रहा है, पता नहीं क्या चाहते हैं। लीड क्लास है ना वो चोरी जो बिजली करती है वो भी गरीब अवाम पूरे करती है, उनकी जितनी ज्यादा बिजली इस्तेमाल हो रही है उतने ज्यादा चोरी भी बढ़ रही है,
तो वो सारे गरीब आवाम पे पड़ी है। तो ये सरकारी महकमे हां चलें जी, अल्लाह ताला आपके नेले घर आपका अपना है? अपना नहीं है, असि ननके ननके ने बुबे में बाप ने तके बाप ने बचपन तके मल के कर दी। नाजरीन अल्फाज नहीं है कि लोग कितने बेचारे टेंशन में हैं, कितनी मतलब इन पे ये जो बिलों का एक जो जुल्म किया गया है, एक तो बिल जो पेट्रोल है वो महंगा कर दिया गया, ऊपर से बिल जो है वो इतना महंगा कर दिया गया, ना बाहर निकलें ना कहीं जाएं, ना कमाएं और ना खाएं, और कारोबार बंद है, काम बंद है, लोग जो हैं वो जॉबलेस हैं, रेंट पे रह रहे हैं, रेंट पे करें, बिल पे करें, क्या करें, किधर जाएं? तो खुदा के लिए इनकी इनकी आवाज़ सुने और इनकी दाद रसी की जाए। शराबियों को फ्री बिजली मिल रही है वो खत्म कर दें, कम कर दें प्लीज़। जो शराबियों को फ्री बिजली मिल रही है, 20,000 रुपये वाला बिल जमा करा रहा है, और जो 2,00,000 तनख्वाह वाला है उसको बिजली फ्री है। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप सुन रहे थे जैसा कि लोगों के जज्बात जो हैं वो भड़के हुए हैं, लेकिन ये लोग बेचारे कर भी क्या सकते हैं सिवाय अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और कह रहे हैं कि अब जो गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमारे हाल पे रहम करो और हमें जो है बिलों में जो है रिलीफ दें, बजाय इसके कि इनको रिलीफ दिया जाता बिलों में और इजाफा किया जा रहा है। और आप लोग देख रहे हैं कि लोग खड़े हैं, चलते हैं आगे चल के और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या किया जा सकता है इनके लिए।